हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये रेसिपी मैंने बनाई थी कल रात को, तो मैं आज सुबह शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना, ये बड़े बड़े साइज़ के आलू को अच्छे से छीलने के बाद इसको हम फ्रेंच फ्राई के आकार में काट लेते हैं। और इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइड में मैंने पानी गर्म कर लिया। पानी गर्म जैसे हो जाए ना, उसको इसमें डाल देंगे। अब ये बॉईल हो चुका है, हल्का सा बॉईल करना है। फिर उसके बाद इसको अलग से प्लेट में निकाला और ये मैं डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा। तो चावल का आटा नहीं है तो आप, इसमें ऑप्शनल है, आप मैदा डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चावल का आटा इसलिए डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा हेल्दी होता है मैदे से। और इसको अच्छे से कोटिंग करके इसको रख लेते हैं, थोड़ा गर्म गर्म ही हो तभी हम इसको इसमें डालेंगे, तो अच्छे से ये चिपक जाएगा आलू में और हमारा जो रेसिपी है ना, बहुत ही टेस्टी और कुरमुरा सा तैयार होगा। अब ये मिक्स हो गया, अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और एक साइड में रखेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल और इसमें इसको फ्राई कर देंगे। तो ये तेज आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, जो कि अच्छे से कुरकुरा सा ये फ्राई हो। तो गाइस, सारे मैंने फ्राई करके रख लिया है, तो सारा मैंने फ्राई करके इसको अलग प्लेट पर रख लिया है, यहाँ पर टिश्यू पेपर के ऊपर, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब जिस कढ़ाई में हमने इसको फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में थोड़े से तेल में हम डालेंगे हरी मिर्च, और साथ में डाल दिया है मैंने यहाँ पर वाइट वाले तेल, इसको डाल दिया, इसको जो आता है ना ट्रांसपेरेंट टाइप का, वो वाला तेल डाला और साथ में डाल दिया कश्मीरी मिर्च, जो कि ये बहुत ही अच्छा कलर देगा। और मिर्ची भी थोड़ी सी, इतना टेस्ट तो नहीं होता, तीखा नहीं होता, लेकिन इसका जो कलर आता ना, बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, जो हम इसका मिक्सचर रेडी तक कर रहे हैं, मसाला तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया केचप, ये मेरे पास हॉट एंड चिली वाला है, तो ये डाल दिया मैंने। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने पूरी रेसिपी में नमक अभी तक डाला नहीं था, तो अभी हमने लास्ट में इसलिए डाला कि इसमें जो है ना सोया सॉस, उसमें भी नमक होता है, और इसलिए थोड़ा सा कम डाला। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बना के रखे थे ना, फ्राई करके जो रखा हुआ था आलू, वो इसमें मिक्स कर देते गाइस।